हमारे साथ उदयपुर के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कैलाश जी विश्नोई हैं। आपने उदयपुर में कोरोना को रोकने के लिए जिला कलेक्टर के साथ में जो प्रयास किए हैं उसकी सोशल मीडिया के साथ जनमानस में खूब तारीफ हो रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इस पूरी योजना को अंजाम दिया और आप जनता को किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस कोरोना महामारी से जो आपात स्थिति उत्पन्न हुई थी और राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के जो निर्देश दिए गए थे उसकी पालना में जन सहयोग जो हमको मिला, खूब भरपूर जन सहयोग मिला, खूब पब्लिक ने धैर्य और सहयोग से काम में लिया, जिसके फलस्वरूप हम इसको अभी तक कोरोना को यहाँ पर हराने में कामयाब रहे हैं। तो उसके लिए मैं जनता को ही बधाई देना चाहूँगा। साथ ही मैं अपील भी करूंगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसी तरह से धैर्य और संयम बनाए रखें और सहयोग करें और जो निर्देश सरकार के और प्रशासन के जारी हो रहे हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना करें, पालना पुलिस को करवाने में भी सहयोग करें। जो उदयपुर के अंदर जो चार पॉजिटिव केसेस आए थे मल्ला तलाई में अम्बा माता थाना क्षेत्र में, उस केसेस को सामने आने के पश्चात में पुलिस ने इसमें बकायदा एरिया को ढंग से सील किया गया। कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स थे, कॉलोनीज थे, जिसमें कर्फ्यू लगाया गया था। उस दौरान मैंने विशेष तौर पे दो चीज़ों का ध्यान रखा था कि जो मेडिकल प्रशासन की जो RRT टीम्स हैं जो हाउस टू हाउस सर्वे कर रही है उनको पूरा पब्लिक का सहयोग मिले और हमारी तरफ से उनको सहयोग सुरक्षा भी मिले। तो वो पूरी तरीके से उनको सुरक्षा के अंदर ये कंटेनमेंट जोन में हमने सर्वे कर संपन्न करवाया। मेडिकल प्रशासन का भी भरपूर योगदान रहा कि उन चारों पॉजिटिव का उन्होंने अथक परिश्रम से उन्होंने खूब अच्छे से उनकी सेवा की, उपचार की, जिसके उपरांत वो चारों पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हुए और आज की तारीख में उदयपुर ज़िले में एक भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। तो इसके लिए मेडिकल प्रशासन और हमारे सफाई कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं और लॉकडाउन के निर्देशों की आगे हम पूर्ण रूप से सब पालना कराएंगे, जैसी सरकार की मंशा है सख्ती से पालना कराएंगे इसमें।